ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आचार संहिता के चलते हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती होगी। बहुत से युवा रात दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अब जैसे कोड ऑफ कंडक्ट पूरे भारत में लागू हो गया है, तो ये संशय बना हुआ है कि जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस की प्रस्तावित भर्ती है, जिसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है, टेस्ट को भरने की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो क्या वे परीक्षा आचार संहिता के चलते होगी या नहीं। तथ्यों के साथ प्रमाणिक जानकारी आपको इलास्टेड यूट्यूब चैनल पर मुहैया करवाई जाएगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बता दें, ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, इसको मिस नहीं करना है। और इसमें यदि बात करें कुल पद कितने हैं, तो 1063 पदों पे भर्ती होने जा रही है, जिसमें मेल के 720 है, ड्राइवर के 130 है और फीमेल के 213 है। और स्टूडेंट्स, इसको जो टेस्ट भरने की डेट होगी वो 30 मार्च से शुरू होगी 30 अप्रैल 2019 तक, इसके बीच में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब आपको ये बताना बाकी है कि आचार संहिता के चलते इसमें क्या होगा, आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, रिक्रूटमेंट होगी या नहीं होगी, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको जानकारी, प्रमाणिक जानकारी मिल पाएगी। इससे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पहले भी हमने वीडियो में बताया था, आपने भी पढ़ा था कि रेगुलर रिक्रूटमेंट होने जा रही है, ठीक है। देखिए, इसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है, यदि इनके नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ें तो वहाँ पे इन्होंने लिखा है कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्केल है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का दिया जाएगा, जो पीछे का पुराना स्केल है, और लिखा है कि 7 वर्ष के बाद ही जो नेक्स्ट नया होगा वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि ये भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि वेतन बचाया जा सके, ठीक है। अभी भी इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन आप इतना मान के चलें कि आपके पास एक सुनहरा अवसर है, आपने सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट की प्रवृत्ति है वो 3 वर्ष की है। तो ये वहाँ पे कह रहे हैं कि 7 वर्ष के बाद आपको रेगुलर किया जाएगा, 7 वर्ष के बाद ऐसा कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि नियम होंगे तो सभी इंप्लॉयज़ के लिए सेम ही होंगे। आप इन सारी चीज़ों को भूल जाएँ, ये सारी नकारात्मक छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स या कैंडिडेट के लेवल की नहीं है, ये हाई जो नीति निर्माता है उनके लेवल की बातें, तो इनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। आपका एम है, यदि आप मेल है तो 720 में से अपने लिए एक पोस्ट निकालें, ड्राइवर है आपके पास एफबी लाइसेंस है तो अपने लिए ड्राइवर की पोस्ट निकालें, यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो 213 में से अपने लिए एक पोस्ट निकालें। आपका विजन, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग, आपकी मेहनत इसके अनुरूप होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, दैनिक जागरण समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई, जिसमें क्या लिखा गया है, चुनाव के बाद शुरू होगी पुलिस भर्ती की प्रक्रिया, ये इसकी हेडलाइन थी। मैंने पूरी न्यूज़ को काफ़ी अच्छे से पढ़ा और इसमें आपको बता दूं, पहले उन्होंने पोस्टें बताई है 1063 थी और ऑनलाइन बोला है कि 30 मार्च तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर खुशाल शर्मा है, प्रवक्ता राज्य पुलिस एवं SP कानून व्यवस्था के, इन्होंने कहा है कि हमने नोटिफिकेशन कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले कर दी है, तो हमें इन प्रक्रिया के लिए जो विद्यार्थी है उसको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं है। मतलब आप पुलिस की भर्ती के लिए 30 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आवेदन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि आप ट्राइबल क्षेत्र से है तो आपको इससे ज़्यादा डेट नहीं दी गई है, सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही तिथि निर्धारित की गई है, तो आपने इस चीज़ को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि ये भर्ती होगी या नहीं होगी। इस न्यूज़ में देखिए, हेडलाइंस में तो क्लियर किया है कि चुनाव के बाद होगी, नीचे किसी भी तरह का कोई भी फैक्ट यहाँ पे इसमें नहीं डाला गया है कि ये होगी या नहीं होगी। मेरा भी यही मानना है, जो मेरी व्यक्तिगत राय है मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, कि ये फॉर्म को सब कुछ कर लेंगे, कंपाइल कर लेंगे और पुलिस भर्ती शुरू नहीं होगी, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। अभी इस न्यूज़ में इसकी क्लैरिटी नहीं की गई है, ये मेरी व्यक्तिगत, मैं आप लोगों को अपनी राय दे रहा हूँ कि ये पुलिस भर्ती मेरे ख्याल से जब कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, नई सरकार बनेगी, उसके बाद इसको शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत से पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने इस प्रक्रिया में शामिल होना है वो इलेक्शन ड्यूटी में जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज भी रहती है, चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी, नोटिफाइड तो पहले हो चुका है, लेकिन जो इसकी कार्यवाही शुरू करनी है, हो सकता है कोई इशू ना बन जाए, तो इसके लिए मेरे को लग रहा है कि पुलिस विभाग इसमें किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब अच्छी खबर कैसे, आप लोगों को 2-3 महीने का समय और मिल जाएगा अपनी तैयारी करने के लिए। तो अभी आप यदि फिजिकली वीक है
तो ग्राउंड के लिए अपना समय सारणी बनाएं, सुबह शाम एक एक घंटा ग्राउंड के लिए दें, और रिटर्न के लिए तो हम लोग यहाँ पर आपको बेहतर जानकारी देंगे। और यहाँ पर देखिए आपको मैं इस पुलिस के भर्ती के बारे में पूरा सिलेबस, गाइडलाइंस, बुक्स, सोर्स, आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या हो, ये सारा कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वालिफिकेशन 10.2 है, और ऐसे विद्यार्थी जो प्लस टू में अभी अपीयरिंग में है वो भी इस पुलिस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि आपकी 1/1/2019 को आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और 23 वर्ष से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको देना है फिजिकल टेस्ट, उसके बाद रिटर्न में जाना है, फिर पर्सनल टेस्ट होगा, आफ्टर दैट फाइनल सिलेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको फुल एडवर्टीजमेंट चाहिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए elastedeco.in पर, वहाँ पे पूरी वेबसाइट हमारी वेबसाइट पे इसकी एडवर्टीजमेंट उपलब्ध है, उसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी पोस्टें दी गई, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार इसको यहाँ से देख सकते हो। और स्टूडेंट्स जनरल के लिए 18 से 23 है, और एस सी एस टी के लिए 18 से 25 बरस, ओ बी सी के लिए 18 से 25, और गोरखा के लिए 18 से 25, और होम गार्ड्स के लिए यहाँ पे 20 से 28 वर्ष के बीच में आयु निर्धारित की गई है। 10.2 मेल कैंडिडेट की हाइट 5.6, देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है डिफरेंट तरह का, आप इसको भी खुद कर लें, ठीक है। मैंने आपको मेन कंसंट्रेट करना है रिटर्न की तैयारी के ऊपर, और ग्राउंड का भी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेल और फीमेल्स के लिए इसमें आपको किसी भी तरह का जो रेस होती है उसमें कोई भी अटैम्प्ट एक ही अटैम्प्ट में आपको करना है। मेल को 1500 मीटर की रेस करनी है 6:30 में, फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी और समय सारणी उसके लिए 4:15 रहेगी। हाई जंप पे उसमें 3 अटैम्प्ट मिलते हैं 1.25 मीटर्स का मेल के लिए, फीमेल के लिए रहेगा 1 मीटर्स का, ठीक है। फिर ब्रॉड जंप है उसमें भी आपको 3-3 अटैम्प्ट मिलेंगे, मेल के लिए 4 मीटर का, फीमेल के लिए 3 मीटर्स का। स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे हाई जंप में बाहर होते हैं, तो स्टूडेंट्स टाइम है, अभी आप मेहनत करें, मेरा भी अनुभव है, मैंने बहुत से बच्चों को इसमें से बाहर होते हुए देखा है, ठीक है। तो आप लोग भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब मेन बात है जहाँ पे हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, जिसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल बना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 80 मार्क्स का होगा प्रश्न, और आपको 60 मिनट में से करना है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रिटर्न के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रिटर्न की मेरिट से आप लोग एकदम से हाई कर जाएंगे इस परीक्षा में, और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। स्टूडेंट्स इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए 60 मिनट में 80 प्रश्न करने, आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। परीक्षा का पैटर्न कैसा रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज से 16 प्रश्न आएंगे, हिंदी से 16 आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 16 आएंगे, मैथ एंड साइंस से 16 आएंगे, और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से 16 आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैथ करना है आपने, साइंस करना है, रीजनिंग एप्टीट्यूड करना है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे समय तो बहुत ही कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ सोर्स बताता हूँ आपको बुक्सों का। स्टूडेंट्स जो जनरल अवेयरनेस वाला कंसेप्ट है उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जुलाई से दिसंबर तक के, और उसके आगे के जब तक की परीक्षा नहीं होती है, सारे के सारे करंट अफेयर्स तैयार कर। इस परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, जैसे ही आपका रिटन टेस्ट होता है उसके एकदम से, माफ कीजिएगा, रिटन टेस्ट से आपका फिजिकली टेस्ट होता है उसके एकदम बाद से पेपर सेट किया जाता है, पहले पेपर सेट नहीं किया जाता है। तो ये देखा जाता है कि उससे पीछे के लिए परीक्षा मई या जुलाई में चली जाती है, तो जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से करना है, और हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेंगे, तो हम ऐसा करेंगे कि जुलाई 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक के करंट अफेयर्स भी कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स पीडीएफ की फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे कंसाइज नोट्स की फॉर्म में ये समरी उपलब्ध है, और एक नई कोशिश की गई है जिस्ट ऑफ टॉप क्लास इंडियन मैगजीन्स भी इसमें आपको मिलेगा, बहुत ही कंसाइज रूप में ये किताबें हैं, इनका आप लाभ उठा के इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हो। स्टूडेंट्स दूसरा सोर्स है लैंग्वेज का, 16-16 प्रश्न आएंगे, 16 हिंदी के आएंगे, 16 इंग्लिश के आएंगे, और स्टूडेंट्स ये इसके बिना किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करना संभव ही नहीं है। विशेष तौर पर पुलिस की भर्ती में यदि आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपका टिकट पक्का है, चाहे आप मेल है, फीमेल है, या ड्राइवर कैटेगरी से संबंधित है। स्टूडेंट्स सबसे अथॉन्टिक जो ग्रामर मैंने फाइंड आउट की है, क्लर्क से लेके HS IS तक की परीक्षा के लिए से होगी साबित होते हैं, और इनकी जो यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन है इस बुक की बहुत ही बेहतर है, और उनके कंटेंट्स भी बहुत आसान है, अच्छे से समझ आ जाते हैं। तो लूसेंट पब्लिकेशन को मैंने चूज़ किया है, हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट पे आपको ये हार्ड कॉपी में मिलते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं आप वहीं से ऑर्डर कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आपको, और आपके घर इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से ये दोनों किताबें हार्ड कॉपी की फॉर्म में पहुँच जाएगी, और ऐसे ग्रामर है जो कि आपके जीवन भर काम आएंगे, क्योंकि लैंग्वेज के बिना मानव जीवन अधूरा है। स्टूडेंट्स इनके लिए आप परचेज करने के लिए elastedeco.in पे जाएं।
स्टूडेंट्स, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में हमें दो चीज़ें और ऐड करनी है, एक पर्यावरण एवं पारिस्थिति की, क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती में आप जा रहे हैं तो सरकार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से भी एक दो दो प्रश्न आने की संभावना है। ये दोनों पुस्तकें हमारी वेबसाइट elastico.in पर PDF की फॉर्म में उपलब्ध है। इन्हें भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने ईमेल के माध्यम से या इलास्टडी वेबसाइट पे जो आपका अकाउंट है उससे प्राप्त कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने रिस्क नहीं लेना है, एक किताब भी मार्केट से लेनी है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से प्रश्न इस तरह की किताबों से भी आ जाते हैं, तो इसके लिए मैंने मार्केट में पुस्तकें छानी और पाया कि मुझे हरिहंत की पुस्तक थोड़ी सी बेटर लगी कंपेयर टू एनी अदर। आपके अपनी चॉइस है, यदि आपको हमारी की पुस्तकें पसंद नहीं है, हमारी गाइडलाइन पसंद नहीं है, तो आप अपने बेहतर विकल्पों का चयन कर सकते हो। किसी भी तरह का आपके लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहीं से लें, पर हम आपको सुजेस्ट कर रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो मुझे हरिहंत पब्लिकेशन की किताब अच्छी लगी। इस किताब में पूरा सिलेबस कवर किया गया है, करंट अफेयर्स डाले गए हैं। स्टूडेंट्स, यदि परीक्षा थोड़ी लेट हो जाती है तो करंट अफेयर्स आपको लेटेस्ट अपडेट करने पड़ेंगे। उसके लिए निशुल्क में आपको हमारे करंट अफेयर्स परचेज करने की भी जरूरत नहीं है, आप उस हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको इसका हर रोज हम अपडेट करते हैं, ठीक है, पर हम आप उसकी PDF उपलब्ध नहीं करवाते हैं। उसके अलावा यूट्यूब चैनल पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं, कुछ अन्य अध्ययन सामग्री हम अपनी PDF में ऐड करते हैं, जो कि बाद में आपको कुछ पेमेंट करके लेते हो उसको, ठीक है। तो मैंडेटरी नहीं है, जो आपको सोर्स अच्छे लगते हैं वहीं से आप अपनी तैयारी करें, ठीक है। हमारा कोशिश ये कि आपको मार्गदर्शन करते रहे, लेकिन स्टूडेंट्स जो हमारी अध्ययन सामग्री है बहुत अनुभवी अध्यापकों के द्वारा बनाई गई है और वो कम समय में ज़्यादा परिणाम देने में सार्थक सिद्ध होती है। तो स्टूडेंट्स, इस पुस्तक को भी आप हमारी वेबसाइट elastico.in से परचेज कर सकते हो। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर की किताब पहुँच जाएगी। स्टूडेंट्स, इस तरह के वीडियो आप देखते रहें और हमारे साथ बने रहें। यूट्यूब चैनल पर भी हम आपको और भी जानकारी इस YouTube चैनल पे उपलब्ध करवाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्ट YouTube चैनल।